जब चलने लगता है तो माता पिता की उंगली छोड़कर चलने लगता है तो उसे आनंद होता है, और जब दौड़ने लगता है तो और भी आनंद होता है, और जब अपने बड़े पैर पर खड़े होकर जो पहली बार चलने का वो आनंद माता पिता भोगते हैं या चलने वाला बच्चा भोगता है वो आनंद उन्हीं को मालूम जो चलने वाले बच्चे छोटे बच्चों का पुरस्कार लेकर देखेंगे। उसी प्रकार शिष्य जब गुरु तो पहले उसे निमंत्रण का भेजता है गुरुपूर्णिमा को आने के लिए गुरुपूर्णिमा है के लिए तो आ जाना। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, निमंत्रण पत्रिका भेजते गया और शिष्य आने के लिए हमें निमंत्रण पत्रिका नहीं पहुंची या पहुंचे गुरुजी का बुलावा नहीं आया। यह वही उंगली पकड़ने की बात हो गई, वो उंगली पकड़कर में 4, 5 साल, 10 साल हो गए। आज 1996 से लेकर आज 2006 10 साल में उंगली पकड़कर चलाकर लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिन ना आए कि मैं अगली बार निमंत्रण पत्रिका आपके लिए भेजूं और आप ना आए। ये आपका कर्तव्य है, शिष्य के शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के पास पहुंचे, गुरु की सेवा में हाजिर हो। गुरु पूर्णिमा उसके लिए शिष्य पूर्णिमा इसलिए कही गई है कि वो पूर्णता प्राप्त करता है। वो निमंत्रण पत्रिका के लिए नहीं देखता या गुरु के बुलावे के नहीं देखता। गुरु पूर्णिमा उसके वो पर्व है, जीवन का वो पर्व है जो सर्व से भी मोक्ष से भी बढ़कर है और वर्ष में एक बार प्राप्त करता है। वो किसी चीज की या गुरु के पास की निमंत्रण पत्रिका की आह्वान की चेष्टा नहीं करता या उसके बारे में अपना इंतजार नहीं करता मुझे नहीं आए। वो गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए देखकर भागते दौड़ के आना ही है। वो आने वाला शिष्य ही शिष्य कहलाता है और यह जब तक शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा चलती रहेगी तब तक गुरुजी को उस दिन आनंद होता है कि वो निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजा और उसके शिष्य आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया। 10 साल हो गए, अभी भी तुम उनके बुलावे को या उस सलावे को करते रहते हो कि मुझे गुरुजी नौकरी है, छुट्टी नहीं मिली, या बिजनेस है, लॉस हो जाएगा, आज मीटिंग थी, ये सारे बहाने बना देते। हमारे लिए गुरु पूर्णिमा उतनी ही आवश्यक है जितनी शिष्य के लिए उसके जीवन में उपयोगिता प्राप्त करने के लिए। और जब शिष्य मैं समर्पण तुम्हें नहीं कहता कि तुम्हारी जायदाद गुरु को दे दो, तुम्हारा धन दौलत गुरु को दे दो, तुम्हारा वो 3 दिन या वो 1 दिन गुरु पूर्णिमा का 1 दिन गुरु को दे दो, समर्पण के तौर पर तुम दे सकते हो। तुम वो 1 दिन ही नहीं दे सकते तो तुम जायदाद देने के बाद दूर रहे, तुम्हारा जीवन समर्पण करने की बात तो दूर है। जब तक कोई शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास आकर गुरुचरणों में समर्पित होकर उनका दर्शन करने का पूजन नहीं करता वह शिष्य समर्पित किस तरह करा जाता है। हम कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत समर्पित है, हमारे गुरुजी भी समर्पित है। समर्पण का अर्थ मुझे तो पता नहीं चलता कि जब तक बुलाया है तो नहीं आते, या गुरु के चरणों में गुरु पूर्णिमा आने पर भी आकर गुरु पूजन में भाग नहीं लेते। वो किस तरह के समर्पित शिष्य है इसके बारे में विचार करना पड़ता है। और वो अपने साधनाओं के बारे में या सिद्धियों के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारी साधनाएं की, गुरु के प्रति हम बहुत समर्पित है। उनका समर्पण तो इस 1 दिन में पता चल जाता है कि वो आए या नहीं आए। उनको मीटिंग बुलाती है, बीवी बीमार है, काफी सब बीमार है, अपने बच्चों का पाँव गुरु जी मैं बहुत बीमार हूँ। अरे तेरी बीमारी तो गुरु के पास तो आ जाए, तेरी बीमारी तेरे कष्टों को निवारण करने के लिए तो वो बैठे हुए हैं। और जब तक हमारे में हम समर्पण के भाव में, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे जायदाद नहीं मांगता, आपके लिए धन दौलत नहीं मांगता। आपका समर्पण इसी से पता चलता है कि आप गुरु के चरण में आज पहुंचे हैं या नहीं। उस दिन बहाना, गुरु पूर्णिमा के दिन बहाना नहीं चले। इस बार भी दत्तू भैया बोलने के बाद मैंने कहा कि कितने दिन हम आह्वान भेजेंगे उनको कि गुरु पूर्णिमा है आप आओ। मैं यहाँ गुरु पूजन करते हुए बैठूंगा, शिष्य मेरे हैं या मेरे गुरुजी के हैं, उनमें समर्पण भाव है, मैं इस 10 सालों में उनको कुछ सिखाया है तो वो अपने आप आ जाएंगे, मुझे उन्हें बुलाने का इंतजार नहीं करेंगे। और जब तक ये भावना नहीं आती हम उनको समर्पित शिष्य कहने के लायक ही नहीं, हम उसे शिष्य कहने के लायक ही नहीं समझता मैं। इसलिए आप इस निमंत्रण पत्रिका में मैं लिखते समय 2 भाव मैंने जरूर लिखे हैं। एक ये भाव कि शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरुजनों में गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंचे, और दूसरा मैंने लिखा है कि मेरे गुरु का आशय क्या था। मेरे गुरु का आशय था कि सिद्धाश्रम पहुंचना, बल्कि मेरे गुरु का आशय ये नहीं था कि तुम्हारे ही समस्याओं को लेकर दिन रात जूझते हुए आते रहो और जाते रहो। बहुत सारे गुरु मिलते हैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन मेरे गुरु का आशय था कि हम सिद्धाश्रम पहुंचे। और सिद्धाश्रम वही आदमी पहुंच सकता है जो 10 महाविद्याओं में 3 महाविद्या सिद्ध कर ले या श्री विद्या सिद्ध कर ले, वो आदमी हाँ गुरु सिद्धाश्रम पहुंच सकता है। और हम उनके आशय को लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर हमारा जीना या हमारा कुछ करना ये व्यर्थ है। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, गुरुचार पहनकर गुरुमाला मंत्र हाथ में लेकर दिखावा कर रहे हैं कि हम गुरु के प्रति समर्पित हैं। मैं आज इतने तीखे शब्दों में आपको कहने का कारण यही है कि आज भी अगर मैं आपको उंगली पर पकड़ के चलाने की बात ही कहूं तो हमें सिद्धाश्रम बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच सकते। हम अगर इसी स्पीड से चले तो हम सिद्धाश्रम नहीं पहुंचते और गुरु जी के उस आशय को पूर्ण नहीं कर सकते। क्यों सिद्धाश्रम पहुंचना चाहिए ये बात अलग है, इस बात को मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन क्या गुरु के वचनों को लेकर हम चल रहे हैं? हम गुरु के वचनों तक पहुंच रहे हैं? हम बहाना बनाते हैं, बहुत अच्छे बहाने आते हैं हमें, क्यों नहीं आए गुरुजी ट्रेन ले गए, क्यों एक दिन पहले नहीं आ सकते थे, गुरुजी पाँव बहुत दर्द था, बुखार थे हमारे घर में बहुत, इसलिए नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने का कारण अगर है तो तेरे हॉस्पिटल एडमिट हो तू वहां खड़े रहकर क्या कर रहा है, तू तो कुछ करने वाला नहीं, करेगा तो वही गुरु करेगा, उसे ही प्रार्थना करनी है तुझे, क्यों यहाँ आके प्रार्थना नहीं करता? तो आगे तब देख तेरे घर में कोई बीमार है तो इसको अगर ठीक नहीं हुआ तो मेरा जीवन का जीवंत ज्वलंत उदाहरण है मेरा। मेरे घर में भी कोई बीमार हुए थे, इतने सख्त बीमार, कोई आने जाने के लिए तैयार नहीं, पति पत्नी दोनों जा रहे थे, सब लोगों ने कहा वापस चले आया। मैंने कहा कि हम वापस जाकर वहां क्या करने वाले, हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले पेशेंट को देखते हुए। जिस भगवान पर भरोसा किया उस भगवान पर भरोसा करके हमको कार्य पूजन करके पूर्ण करके आएंगे, वो देख लेंगे, हमको बचाना है। और आज आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है कि वो उसी तरह ठीक हो गए जिस तरह हम पूजा करके वहां से आए। मैं कोई से पास जाकर खड़े नहीं रहा, चाहे लोग मुझे प्रेम नहीं है ऐसा बात कहे, लोग कहते हैं मुझे मेरे गुरु मेरे देवता की निष्ठा है। मैं जब बात अनुभव करता हूं तभी आपको कहता हूं। मेरे घर में भी सब बीमार लोग रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में बीमारी नहीं आती, मेरे घर में समस्याएं नहीं है, लेकिन समर्पण उस भाव का होता है कि हम गुरु के सामने खड़े हैं, हम सभी चीजों को छोड़कर गुरु के सामने आए। हम गुरु के बुलावे तक नहीं देखे, हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास और भी विद्याएं हैं, हमारे पास और भी चीजें हैं, लेकिन क्या गुरु सेवा में हम पहले भी नहीं आ सकते? उसे भी बुलाना पड़ता है, कितने दिन बुलाना चाहिए? 10 साल हो गए। और जब यह समर्पण भाव आप आपके गुरु के प्रति बताएंगे, समस्याएं आपके पास कभी नहीं रहेगी। आपके जीवन में छलावा मत करो कि मैं गुरु के प्रति समर्पित हूं। आप पूर्ण भाव के साथ कह दो कि गुरुजी हम दोनों हम अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, सौंप कर हम तुम्हारे चरणों में, मेरी नौकरी गई या मैं रहा या कुछ रहा ये बात नहीं, मैं गुरुकुल में तुम्हारे चरणों में पहुंच रहा हूं। ये बात एक बार करके चले देखो, इस समर्पण को एक बार आपके चरण में आप गुरु चरण में करके चले देखो और आपकी समस्याओं के बाद में उसका उत्तर मैं देता हूँ। मैं आज इस दिन इन शब्दों को मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं यह बात कहते हुए हर बार निमंत्रण पत्रिकाएं भेजते हुए थक गई हूं। क्या शिष्य अपना कर्तव्य नहीं जानता? इसे कितने बार कहना पड़ता है कि वो अपनी सेवा में आए, गुरु सेवा में आकर कुछ करें। गुरु को हम किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं? गुरु की प्रसन्नता का क्या मार्ग है? गुरु चरणों में हम किस तरह लीन हो सकते हैं? किसी को मेहनत हो, अच्छी नौकरी लग गई। गुरु जी कल परसों आपकी कृपा से बहुत नौकरी लगी, बहुत अच्छी है। गुरु जी लीव नहीं मिली, मैं नहीं आया। अरे कृपा से नौकरी मिली कहता है और गुरु पूर्णिमा आने के लिए बहाना बनाता है कि मुझे लीव नहीं मिली, तेरी नौकरी को कुछ नहीं हुआ, तो एक बार करके तो देख, मैं गुरु जी छोड़ने में जा रहा हूँ। ये बात बोल के तो देख। मैं भी सरकारी नौकर था, मैंने भी गुरु पूर्णिमा के लिए बिना लीव लगाए 6 साल 7 साल का था। और मैं आज आपके सामने कहता हूँ, गुरुजी ने मेरे उस 6 साल की लीव के लिए मुझे बचाया। वो लोगों पर गई जो बात जो लोगों ने लीव सबमिट नहीं की थी। मैं भी सरकारी नौकर था, मैं अनुभव करने के बाद बात कह रहा हूँ। मैं गुरुचरण में मैं भी समर्पित था। चाहे कुछ भी हो, मैं मुझे इस गुरु पूर्णिमा में गुरुचरण में समर्पित होना है। जाना है तो जाना है। बात का भाग गुरुजी है, वो देख लेंगे, स्वयं देख लेंगे। और उसे हम समर्पण कहते हैं। समर्पण ये नहीं कि समर्पण हम पैसा दें। समर्पण भावनाएं हैं। गुरुजी तुमसे प्रेम चाहता है, गुरुजी तुमसे वो समर्पण चाहता है कि तू उसकी पूर्णिमा के दिन, उसके उत्सव के दिन, क्या उत्सव, उसके उत्सव में भाग लिया या नहीं लिया, तूने तेरा कर्तव्य निभाया नहीं निभाया। शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं। और जब जिस दिन आप में समर्पण भाव आ जाएगा, गुरु के बिना बिलावे गुरु उत्सव में आप भाग लेने आ जाएंगे। मैं समझता हूँ जीवन का वो एक दिव्य दिन होगा और एक आपके जीवन का सच्चा समर्पण होगा। आपका उसके लिए कुछ पैसों की समर्पण करने की बात जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु चरणों में आने की जरूरत है। और आप सभी को इस 3 दिन की गुरु पूर्णिमा के निमित्त आप आए हुए शिष्यों को गुरु का कृपा प्रसाद मिले। गुरु जी की इच्छा के अनुसार आप सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और आप में वो भावना जागृत हो कि हम हर गुरु उत्सव में उसी तरह भाग ले जिस तरह हमें कुछ बुलावा ना पड़े। ये गुरु उत्सव गुरु का उत्सव नहीं है, हमारा उत्सव है। वो शिष्य पूर्णिमा है कि गुरु पूर्णिमा नहीं है। यही बात जीवन के उस क्षण हुई जब श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि महामुनि से दीक्षा लेकर अपनी शिष्य का कर्तव्य निभाकर गुरुदक्षिणा देकर वो वहां से निकले, अपने राज्य में आए, मथुरा के राजा हुए। उस देव देवकी ने बहुत आनंद के साथ उनका उत्सव मनाया। वे अपने पास खड़े रहे। कुछ कारणवश उनका मित्र सुदामा उनके पास से गुरुकुल से आधी शिक्षा में चला गया, लेकिन कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। और भी बलराम भी कृष्ण के भाई भी संदीपनी महामुनि के पास ही पड़े। और वे जब अपने गांव चले गए, हर वर्ष उनके जीवन में भी यह गुरु पूर्णिमा थी। कृष्ण किसी भी समय बलभद्र के कहने पर भी ना कहने पर भी वे अपने गुरुकुल पहुंच जाते थे गुरु पूर्णिमा के लिए। और गुरु उनसे इतने प्रसन्न थे, यह कहते थे कि कृष्ण तू महाराजा होकर भी आज भी गुरु पूर्णिमा नहीं भूलता और तू अपने गुरु के चरणों में हाजिर रहता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा ऋण है प्रभु। इस संसार में अगर मैं साल भर में जो कोई भी पाप करता हूँ, जो कोई भी झूठ छल कपट मुझे इस राज्य में करना पड़ता है, वो मैं मेरे गुरु चरणों में आने के बाद उन सारे पापों को धो देता हूँ। मैं स्वार्थी हूँ गुरुजी, मैं स्वार्थी हूँ। मैं आपके चरणों में आता हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके शरण में आना चाहिए, क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा के दिन ही मैं पूर्णत्व प्राप्त करता हूँ। मैं जीवन में जो कुछ है, इस पूरे वर्ष में जो कुछ खोया हूँ, जितने झूठ छल कपट मैंने किया है, अनियमों का पालन किया है, मैं इस गुरु पूर्णिमा में आपके शरण में आकर इसको पूर्णता प्रदान करता हूँ। उन पापों को धो डालता हूँ और फिर पूर्ण पुरुष बनकर यहाँ से जाता हूँ। इसलिए मुझे आपके चरणों में आना पड़ता है। यह बात सांदीपनि मुनि को सदगुरुदेव सांदीपनि मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को कही। लेकिन बहुत दिनों के बाद बलभद्र जब भी श्री कृष्ण वहां जाते थे, देखते थे कि उनका मित्र सुदामा गुरु पूर्णिमा में नहीं आता। बलभद्र को बलराम कहते थे, कृष्ण तू क्यों उदास होता है गुरु पूर्णिमा करने के बाद? बोलते मेरा बचपन का मित्र या सुदामा नहीं आता इसको इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव। उसके बाद उसी संदीपनी महामुनि का और एक शिष्य था जिसका नाम था पौंड्र कृष्ण। वो भी संदीपनी महामुनि का शिष्य था और कृष्ण के साथ ही, कृष्ण के बाद, जैसा हम कहते हैं कृष्ण सीनियर थे और पौंड्र कृष्ण जूनियर था। लेकिन पौंड्र कृष्ण का और सुदामा का गांव एक ही था। तो कृष्ण ने पौंड कृष्ण के साथ यह मैसेज भेजा कि सुदामा तो गुरु पूर्णिमा को क्यों नहीं आ रहा है। एक बार पौंड कृष्ण को कहा कि तू जाके सुदामा को बदला दे कि वह गुरु पूर्णिमा को आए। तो पौंड कृष्ण गया और देखकर सुदामा के पास गया और कहा कि सुदामा तू गुरु पूर्णिमा को क्यों नहीं आता। सुदामा ने कहा मेरे गुरु, मेरा सर्वस्व, मेरे माता पिता सब मेरा कृष्ण है और मैं उसके स्मरण में रहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, मेरे पास इतना सब कुछ है ही नहीं कि मैं गुरु पूर्णिमा में मेरे गुरु के पास तक पहुँच सकूँ। मैं कृष्ण का स्मरण करता हूँ और मेरे लिए माता पिता एवं सब कुछ श्री कृष्ण ही है। कृष्ण का पौंड कृष्ण जब दूसरी बार गुरु पूर्णिमा हो गया और कृष्ण को ये बात कृष्ण ने फिर पूछी क्या पौंड कृष्ण तूने सुदामा को ये बात बतलाई। तो पौंड कृष्ण कहता है सुदामा नहीं मिला, उसने झूठ कह दिया, क्योंकि सुदामा कभी भी कृष्ण का ही गुणगान करते थे और वो पौंड कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था। और पौंड कृष्ण बाद में क्या कहने लगा कि गुरु की कृपा के कारण, गुरु पूर्णिमा में भाग लेने के कारण पौंड कृष्ण बहुत ही धनवान, बहुत ऐश्वर्यवान और सारे प्रॉब्लम से होकर वो उस शहर का, उस राज्य का राजा बना। और तब सुदामा को कहने लगा कि तू जिस कृष्ण की पूजा करता है ना, तू उसकी पूजा छोड़कर मेरा पौंड कृष्ण का नाम ले ले, मैं तुझे धनवान बना दूंगा, तेरी सारी दरिद्रता दूर करूंगा, तुझे गुरु पूर्णिमा को ले जाऊंगा। सुदामा को ये अच्छा नहीं लगा। सुदामा कहने लगा कि नहीं, मैं कृष्ण, जिस कृष्ण को पूजा करता हूँ वही मेरे लिए सर्वस्व है। वो कहता है कि मैं धनवान हूँ, मैं महाराजा हूँ, मैं यहाँ का सर्वस्व हूँ, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, तो एक बार पौंड कृष्ण की जय कह गए। और सुदामा ने यह बात कभी नहीं कही। तब बहुत दिनों के बाद जब पत्नी ने यह बात कही कि कृष्ण कृष्ण कहते हो, दरिद्रता तो इतनी घर में खेल रही है, इतने सारे बच्चे हैं, ये सारी चीजों को लेकर आप कहते हो यहाँ आप रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये बात नहीं सोचते कि हमारा दिन कैसा गुजर रहा है, क्यों नहीं जाके कृष्ण को ये बात पूछते हैं। सुदामा अभिमानी थे। सुदामा ने कहा वह नहीं जाना चाहता। पत्नी बार बार ये कहती थी कि तू जा कृष्ण से पूछ, कृष्ण से ढूंढ ले, कृष्ण तेरी सहायता जरूर करेगा। तो कृष्ण को विश्वास करता है, कृष्ण को सब कुछ मानता है, तो केवल उसके पास जाने सारी चीजें नहीं देता, सारी चीजें वो जरूर करेगा। तब कृष्ण अपने जीवन बिताने के लिए कभी भी जाने की बात नहीं करेंगे। तो एक बार उनके सपने में यह आया कि कृष्ण दुर्गुणा अपने गुरु के लिए पास पहुंचे। मैंने महाराजा, मैंने सब कुछ प्राप्त किया इस संसार में, लेकिन ये बात आज समझ में नहीं आई, तुम्हारा एक शिष्य और मेरा बहुत कम सुदामा था, वो कभी गुरु पूर्णिमा नहीं आया, उसको ऐसे क्या करते हैं, वो अपने गुरु से पूछते हैं। और स्वामी के महानी गुरु कृष्ण को लेकर हंसे और कहते हैं हे कृष्ण मैं नहीं कर रहा। वो जब यहाँ से मृत्यु करता रहा तो आज भी वह कृष्ण हे कृष्ण तुझे मैं सर्वस्व मानता है, मुझे नहीं मानता, अरे वो तो गलत करता है, ऐसा उसके मुंह से गलत निकल गया। तो मेरा मित्र है, वो अपने गुरु को पहचानता है, वो गुरु घृणा नहीं करता, केवल मुझे मित्र को ध्यान करता है। तो स्वामी जी मोहन ने कहा कृष्ण उसको ये बात पहुंचाए, ये बात पहुंचाए कि उसके गुरु को घृणा करे। और तब कृष्ण कहते हैं प्रभु आपके रहने पर ये कार्य मैं क्यों ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं कि सुदामा जब सिर्फ कृष्ण की रट लगाए हुए थे और उनको जब ये मार्ग नहीं लगा, वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे, तब सुदामा की पत्नी के और उनकी बात को समझ नहीं रही थी, कितनी बार बोलने पर भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ये बात करते हो स्वामी के गुरु होने पर भी तुम्हें उनको याद नहीं करना, उनको स्मरण नहीं करना है, कृष्ण को स्मरण करना है, तो कृष्ण को ही गुरु समझते हो, तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के उनके चरणों में तो चले जाओ, उनकी चरणों में तो पहुंचो। यह बात सुदामा को ठीक लगी और वे कृष्ण के चरणों में पहुंच गए। बात तो आप सभी को पता है, लेकिन जब कृष्ण के चरणों में पहुंचे, कृष्ण भागते हुए उसके पास आए और मित्र को कहने लगे कि हे सुदामा, तू इतनी सारी करते हुए तू मुझसे प्रेम करता है, तू ब्राह्मण है, मैं तेरी शरण देता हूँ। जबकि कृष्ण को वो सर्वस्व मानते थे, फिर भी कृष्ण ने सुदामा के चरण धरे और सुदामा से कहा, हे कृष्ण, इस संसार में व्यवहार और कर्तव्य है। जब तक हम अपने गुरुचरणों में समर्पित नहीं होते, गुरुचरणों की पूजा नहीं करते, गुरुचरणों में अपना समर्पण नहीं होता, तब तक हम गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक किसी के हाथ में कुछ भी देने का नहीं होता। और उन्होंने उस पाद पूजा के साथ सुदामा को अपने गुरु का स्मरण करवाया और उन पाद चेष्टाओं को करते हुए गुरु को स्मरण करवाकर गुरु के चरणों में नमस्कार करवाया। जबकि सुदामा की आंखों में आंसू इसलिए आ रहे थे कि कृष्ण उनकी पाद पूजा करते थे। कोई गुरु जिसे गुरु मानता है, जिसे सर्वस्व मानता है, वह जिसे मित्र मानता है, वह कभी किसी की चरण पूजा नहीं करता। लेकिन कृष्ण कर्तव्य मानते थे, कृष्ण कर्तव्य समझाने वाले थे और कृष्ण ने सुदामा को कर्तव्य समझाया था कि तू तेरे गुरु को याद कर। और उस समय जब सुदामा ने अपने गुरु की कृष्ण के साथ समर्पण, कृष्ण के साथ गुरु को याद किया या कृष्ण की पूजा की, सुदामा की कृष्ण की गुरु सांदीपनि की पूजा दोनों ने मिलकर की, तब कृष्ण ने उन पर उसके पूछने पर उसकी दृढ़ता को मिलाया और उनके बाद इसके पीछे चाहे हम किसी गुरु को भी प्रसन्न, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भी हमें गुरु पूर्णिमा जैसे दिन हम गुरु के चरणों में और गुरु को प्रसन्न करने के बाद ही, चाहे तुम कितना स्मरण करो, कितने जप करो, कितनी मालाएं फेरो, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को स्मरण करते हुए गुरु चरणों में पहुंचना ही तुम्हारे पूर्णता का कारण हो सकता है, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। यह सारी सिद्धियां हम समझते हैं कि क्यों गुरु पूर्णिमा को ही पूर्णिमा कहा गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास महर्षि ने 18 पुराण लिखने के बाद, सूद महामुनियों के साथ सारे पुराणों को समझाने के बाद जब विराजमान हुए तो ब्रह्मा महेश्वर तीनों ने आए और कहा कि हमारा चरित्र ही नहीं, भगवती देवी माया लीलाधारी का भी पुराण ने कहा है। हे विष्णु, हे व्यास, तुमने इन सारी चीजों को इस संसार को बताया है, इसलिए तुम इस ज्ञान को देने के कारण तुम जहाँ बैठते हो उसे व्यासपीठ कहा जाएगा। और तुम जिस पूर्णिमा के दिन इस व्रत को इस पुराण से तुमने व्याख्या की है, सूत महामुनियों को समझाया है, वो पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहलाएगी। कोई भी शिष्य, आज से हम तीनों देवता वरदान देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर वरदान देते हैं, इस व्यास पूर्णिमा के दिन जो शिष्य अपने गुरु चरणों में पहुंचता है वो पूर्णता प्राप्त करके ही देता है। इसका और एक छोटा सा उदाहरण ऐसा है कि स्वामी विशुद्धानंद जी एक महान हस्ती सिद्धाश्रम के योगी हुए। वे बहुत काल तक अपने गुरु भृगुराम जी के साथ, नेमानंद जी के साथ रहे और बहुत सारी साधनाएं संपन्न की, सूर्य सिद्धांत पे हो, नक्श सिद्धांत पे हो और योग पे, उन्होंने बहुत सारी साधनाएं संपन्न की। लेकिन जब वे अपने गुरु के कहने पर गृहस्थ बनकर संसार में लौटे, व्यवहारिक संसार में लौटे, तो अपने माँ के चरणों में माँ की सेवा करने के लिए आए। माँ की सेवा करते हुए बैठे तो माँ ने कहा, विशुद्धानंद, अब मैं बूढ़ी हो जा रही हूँ और पुत्र का कर्तव्य होता है कि माँ की सेवा में शादी कर ले, पुत्र पौत्र को दो, इस वंश की उन्नति होगी, इस वंश को मुक्ति मिलेगी, तो शादी कर ले। विशुद्धानंद ने कहा, मैं जिस सिद्धाश्रम से आया हूँ, जिस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैंने आज के जिन दिन बिताए हैं, माँ तुम ये गलत बात मत करो, मैं शादी नहीं करूँगी, तुम इसे छोड़कर तुम मुझे कुछ भी मांगो, मैं जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, लेकिन मुझे शादी करने की बात नहीं मत करो। और उन्हें पता था कि विशुद्धानंद जी का यह कहना पत्थर की लकीर होती थी, उसे कोई मिटा नहीं सकता था। वो एक बार कह दिए, माता की चिंता पकड़ती रह गई कि अब आगे क्या होगा, ये शादी नहीं कर लेगा, इसको संतान नहीं होगी, तो आगे मुझे क्या करना होगा। तब वह रोज दिन रात चिंता में, इसी चिंता में रहती गई और सोचने लगी कि विशुद्धानंद जी का शादी किस प्रकार। तो एक दिन विशुद्धानंद जी के मित्र उनके घर पे आए और उनकी माता ने उस मित्र को विशुद्धानंद जी के परोक्ष में, विशुद्धानंद जी नहीं थे, दूसरे कमरे में बिठाकर बुलाया, बेटा, ये क्या गलती है कि सारे देवताओं ने, क्या सिद्धाश्रम के लोग कहते हैं कि शादी नहीं कर ले, विशुद्धानंद कहता है कि शादी नहीं कर लेना चाहता, उसकी शादी हो, मैं ये इच्छा करती हूँ, लेकिन उसने पत्थर के रखी जिससे बात करती, तुझे तो पता है वो एक बार कह देता है कि दूसरी बार उसके ऊपर विचार नहीं करता, उसने शादी नहीं करने की ठान ली है और शादी नहीं करना चाहता। तो उस मित्र ने माता जी कहा, माँ इसका एक उपाय है मैं बताता हूँ, शादी कर लेने को मान लेगा जरूर। माँ ने कहा जल्दी बता क्या इसका विधान है। तो माँ इस बार गुरु पूर्णिमा जब भी होगी वो अपने गुरु के पास जरूर जाएगा, तब कहना क्योंकि तुम मुझे भी तेरे गुरु के पास ले जाए। उनके गुरु थे गुरुग्राम में महाराज, तुमसे जितनी जिद कर रहे हैं तो शादी मत कर ले, तू इतना कह दे कि मुझे तुम्हारे तेरे गुरु के पास ले जाओ गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उसने कहा माता ने कहा इससे क्या होगा? माँ तुम इतनी बात कहो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तो बात की बात मैं इसमें समझाता हूँ। उस मित्र ने माता ने कहा, और दूसरे दिन जब प्रसिद्धाना जी आए तो गुरु पूर्णिमा वासी थी, तो माता ने कहा बेटा तू गुरु पूर्णिमा के दिन तेरे गुरु के पास जो जाता है, मैं भी तेरे साथ गुरु पूर्णिमा में भाग लेना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो प्रसिद्धाना जी ने कहा इसमें क्या गलत की बात है माँ, अच्छा है चलो मैं मेरे गुरु के पास में गुरु पूर्णिमा को ले जाता हूँ। प्रसिद्धाना जी अपनी माँ को लेकर गुरु पूर्णिमा पहुंची, सारे लोग बैठे हुए थे, गुरु पूर्णिमा हो रही थी। विशुद्धानंद ने अपने गुरु की शरण में बहुत बड़ी पूजा की, उनके गुरु ने विशुद्धानंद की बहुत प्रशंसा की, तपस्या हुई, सब हुई। बाद में विशुद्धानंद जी ने कहा मेरी माँ भी आई है गुरुजी आपकी शरण में गुरु पूर्णिमा के दिन। विशुद्धानंद ने कहा बोला तेरी माता को कहाँ है? माता जी आए तो गुरु जी उठ के खड़े हो गए और माता को नमस्कार किया, जो ऐसे इतने सुंदर पुत्र को ने जन्म दिया। तो उस माता ने नमस्कार किया और आंखों में आंसू आए। तो गुरुग्राम जी गुरु कहने लगे इतना सामर्थ्यवान तेरा पुत्र होने के बाद भी ये माता तेरे आंखों में आंसू, क्या बात है? तो माता ने कहा हे गुरुग्राम जी महाराज आप सब कुछ जानते हैं और उस शिष्य को भी जानते हैं जो मेरा बेटा है जिसे तुम कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बता तुझे क्या बात है, क्या चिंता है, तो वो तो बता। और शुद्धन जी की तरफ देखते तो उनके गुरु ने देखा, विशुद्धानंद जी से कहा तो कुछ भी बात मत कर, थोड़ी देर खड़ा हो जाए, तेरी माता से बात करना। विशुद्धानंद जी चले गए, उन्हें पता चल गया कि माँ क्या पूछने वाली है। अपने गुरु के पास गए और माता जी ने कहा मेरी इच्छा है, सिद्धाश्रम की योगी इस तरह कहते हैं क्या? मैंने उसे शादी करने के लिए कही और वो शादी नहीं कर रहा है, अगर इस समस्या को आप भी हल कर सकते हैं। और गुरुग्राम जी के चरणों में झुक गई। तब गुरुग्राम जी ने कहा कि माँ इतनी सी बात है मैं बता देता हूँ। बुलाया विशुद्धानंद जी को, विशुद्धानंद जी आए, गुरु जी मैं सब नमस्कार करके करता हूँ, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है, मेरी माँ ने मैं शादी नहीं कर लेना। गुरुजी ने कहा बात क्या है बता, तो शादी क्यों नहीं करना चाहता? बोले मेरी माँ जिस लड़की को अभी देखी हुई है, जिस लड़की को देखकर मुझे शादी कर लेने के लिए कह रही है, मैंने मुझे आपने जो ज्ञान दिया कालपुरुष साधना दी है मेरे को, मैंने उसके 3 पूर्वजन्म देखे, वो 3 पूर्व जन्मों में एक जन्म में वो गाय थी, दूसरे जन्म में वो मनुष्य भी शूद्र योनि में जन्म लिया उसने, उसके बाद वैश्य योनि में जन्म ली और आज वो ब्राह्मण जन्म में लेकर शादी हुई। ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहता। गुरुग्राम जी महाराज बोले अरे तेरे इस प्रश्न का तो उत्तर मुझे तो मिल गया, तुझे कैसा नहीं मिला? तो इतना कैसा ज्ञान है मुझे पता नहीं चला। एक बात याद रखिए, जो आज स्त्री की बात तू कह रहा है, तूने कहा एक जन्म में वो गाय थी, कितना पुण्य किया, दूसरे जन्म में मानव जन्म प्राप्त की, बाद में उस जन्म में उसने कितनी पूजा की वो वैश्य हुई, और बाद में उसने कितनी सराहना की उसको ब्राह्मण कन्या प्राप्त हुई। तो उसकी दिन ब दिन वृद्धि हो जाएगी, अब ब्राह्मण और भी उच्च बनना चाहती है, विशुद्धान से भी उच्च बनना चाहती है, तो वो उसमें उच्चता है लेकिन कोई नीचता तो नहीं है, वो तो दिन ब दिन बढ़ते गई। ऐसी लड़की से शादी नहीं कर लेना चाहता। अरे अगर वो तुझसे शादी कर लेगी तो वो देवता बन जाएगी। तुझे ऐसी लड़की चाहिए क्या कि जो गजन में ब्राह्मण थी और रीजन में, या ऐसी लड़की चाहिए जो गजन में बहुत विज्ञान थी, विद्यावान थी और रीजन में अविद्यावान है? जिसने अपने तपोबल पर इतना सब प्राप्त किया, तो क्या उसे तो शादी नहीं करना चाहता? विशुद्धानंद जी बाद में वो उस बात को समझ नहीं रहे थे। तब गुरुग्राम जी महाराज ने कहा तू अपने बारे में जो कह रहा है, अगर तूने उसका जन्म देखा है, मैं कालपुरुष साधना का साधना विधान है, यह साधना तब तक भी नहीं दी जाती जब तक यह अपने गुरु को प्रसन्न करके बात करने की चेष्टा नहीं करती। अपने गुरु के साथ जब तक वह यह बात नहीं करता कि अपने गुरु के साथ उस कृपा प्रसाद की बात नहीं करता, अपने गुरु के साथ बात करता है, उनकी कृपा प्राप्त करता है और उनके साथ रहता है, फिर भी कोई कारणवश अपने को कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त हो रही, तब उसको गुरु बतलाता है, गुरु ज्ञान देता है कि अपने वो परमेष्टि गुरु को तो पहले पूजा कर ले, परमेष्टि गुरु को प्रसन्न कर ले, परमेष्टि गुरु की पूजा कर और बाद में तू अपने गुरु की पूजा कर। देख तू जो चाहता है परमेष्टि गुरु, अगर तेरा वचन, तेरे कहे हुए बात सच है, तेरा विधान सच है, तो वह जरूर तेरे गुरु से वो कार्य करवाएंगे। ये उदाहरण दे रहा था। यही बात सुदामा के बारे में भी। सुदामा कृष्ण को गुरु भी समझते थे, लेकिन जब तक कहा, जब तक सांदीपनि महाराज ने उनको कर्तव्य नहीं दिया, उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, तब तक वो भी अपना गुरु चाहने पर भी वो सब कुछ नहीं दे सका। और यह बात उस धर्म के जीवन में भी हुई। उनकी माँ ने उनके गुरु के पास जाकर ये प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से उषधान की शादी हुई और उनको 3 बच्चे हुए। बाद में उनका उषधान कारण हुआ, वे गृहस्थ हुए और एक उन्होंने जीवन जिया। हम चाहते हैं कि हमारे गुरु अपनी सेवा से प्रसन्न हो, लेकिन फिर भी हम गलतियां करने वाले हैं। हम अगर हमारे गुरु के साथ उनके गुरु की पूजा करते हुए हम अगर हमारे गुरु की पूजा करें तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और इसे परमेष्टि गुरु साधना कहा गया, इसे ही गुरुमंडल साधना कहा गया। परमेष्टि गुरु के ऊपर प्रापर गुरु और परापर गुरु होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 10 साल का जीवन हो गया, आपको मैंने गुरु साधनाएं बतलाता रहा। मैं इस बार उस परमेष्टि गुरु साधना को बतलाऊं जिससे हमारे गुरु प्रसन्न हो। हम परमेष्टि गुरु साधना गुरु पूजना संपन्न करेंगे, हम उस गुरु से परमेष्टि गुरु से बात कर सकें और वो परमेष्टि गुरु हमारे गुरु के साथ बात कर सकें कि तेरे शिष्य बहुत ही विद्वान है, बहुत साधनायुक्त है, उसे सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। बहुत दिनों से वो 10 साल से साधना कर रहे हैं। इस परमेष्टि गुरु साधना को किस प्रकार संपन्न करते हैं? अपने गुरु को प्रसन्न करने की क्रिया किस तरह करते हैं? हम अपने गुरु को किस तरह प्रसन्न किया जाता है? यही एक विधान है। हम गुरुपालिका पूजन करते समय या गुरुपंक्ति पूजन करते समय हम शुपाधियों को तो लगा देते हैं, परापर गुरु, परमेष्टि गुरु, गुरु और परम गुरु, इस प्रकार लगाते हैं। लेकिन इस पूजा को, उस परम गुरु को किस तरह जाने, उस परम गुरु की कृपा किस तरह प्राप्त करें, जो कि हमारे गुरु भी उनके गुरु की पूजा करते समय प्रसन्न चित्त से देखते रहेगी। मेरे शिष्यों ने आज एक कदम आगे बढ़ाया है और कहा है कि मेरे गुरु का पूजन किया है जो मेरे पास पहुंचते हैं, और उनके गुरु तुम्हारे पूजन से जब श्रेष्ठ होते हैं तो तुम्हारे गुरु तो प्रसन्न होंगे। यह परमेष्टि गुरु साधना कर लेंगे। और जब भी गुरुमंडल आचरण या किसी श्री विद्या का या किसी दशमा विद्या का हम पूजन करें तो पहले इस गुरुमंडल की पूजा कीजिए। इस गुरुमंडल की पूजा करने के बाद ही गुरु की पूजा, और गुरु की पूजा के बाद हम हर कोई साधना में आगे बढ़ते हैं या साधना करने पर हमें उस सारे गुरुमंडल की कृपा प्राप्त होती है। तब गुरु को यह बाध्य होना पड़ता है कि वो हमारे शिष्य की इच्छा पूर्ति करे और वो भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उसने उनके गुरु को प्रसन्न किया। इसे परमेष्टि गुरु साधना कहा है। इस परमेष्टि गुरु साधना को जिस प्रकार विशुद्धानंद जी हो या सुदामा हो या भगवान कृष्ण हो, अपने जीवन में अपने गुरु को प्रसन्न करते हुए इस साधना को संपन्न किए और उन्हें कृपा प्रसाद प्राप्त करते हुए वे विश्व प्रसिद्ध हुए। उनका चरित्र, उनका गुणगान, उनका इतिहास आज भी पुराणों में गाया जाता है। हम आपको यह बात भी एक बार पता है कि जीवन में एक बार हनुमान जी ने रामचंद्र से प्रश्न पूछा था, जिस प्रकार हम भी पूछते हैं। हनुमान जी ने भी रामचंद्र से यह प्रश्न पूछा था कि प्रभु राम, तुम्हें वशिष्ठ जैसे गुरु है, विश्वामित्र जैसे गुरु ने शादी संपन्न करवाई, तुम्हारी शादी संपन्न करवाई, लेकिन फिर भी तुम ये वनवास अनुभव कर रहे हैं, क्या बात है? इस बात को हनुमान जी के पूछने पर लक्ष्मण जी के जीवन में भी यह प्रश्न उठा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सच बात है, हमारे गुरु इतने श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं। विश्वामित्र जी ने अपने को लेकर मरीच और सुबाहु को मारने के लिए ले जाकर अपने को युद्ध करवाकर उनको मार दिया था। उनकी कृपा अपने पर, विश्वामित्र जी से गुरु की, वशिष्ठ से गुरु की कृपा अपने पर है, अपने गुरुकुल पर सूर्यवंश की कृपा है। लेकिन इन सब के होने पर भी हम वनवास क्यों अनुभव कर रहे हैं? सीता जी को वनवास क्यों हुआ? उसने रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण हे हनुमान, मैं एक आज रहस्य की बात बताता हूं। गुरु माता पिता सब कुछ पता है, लेकिन मैं माता और मेरे पिता के वचनों में बद्ध हुआ आदमी मैं यहाँ आज गुरु पूर्णिमा के दिन हर वर्ष मैं मेरे गुरु की शरण में पहुंचना चाहिए, लेकिन ये 14 वर्ष के वनवास में उसके कारण मैं गुरु पूर्णिमा में गुरु की शरण में नहीं पहुंच सकता हूँ, इसलिए मुझे ये आज भोगना पड़ रहा है। आज मैं वनवास अनुभव कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे गुरु शरण में पहुंचता हूँ तो मैं पुण्य प्राप्त करते हुए मैं राज्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें क्या है, हनुमान जी कहते हैं मैं तो तुम्हें दोनों को लेकर तुम्हारे गुरु के पास एकदम आकाश में उड़ के ले जाऊंगा, चलो गुरु पूर्णिमा के दिन जाएंगे हम। अयोध्या के पास तो वशिष्ठ जी रहते हैं, हम जाएंगे और वहाँ गुरु की पूजा करके आएंगे। तो राम कहते हैं कि मैंने वचन दिया है कि मैं अयोध्या नहीं आऊंगा, 14 वर्ष वनवास भोगूंगा। और मैं वनवास में तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी बात करता हूँ कि मैं जाकर वशिष्ठ जी को यहाँ तुम्हारे पास लेके आता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन। अरे मैं तो उतना शक्तिमान हुई हूँ, आपकी कृपा है मेरे ऊपर। तो कहते हैं कि शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य गुरु के पास पहुंचे, गुरु को शिष्य के पास आना पड़े, वो विधान नहीं है। इसलिए मैं मेरे माता पिता के वचनों में गुंथा हुआ, मैं सीता और कितने कष्ट अनुभव करेंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमें वनवास में हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु के पास नहीं गए, इसलिए हमें वनवास अनुभव करें और वनवास अनुभव करना ही। जब ये युद्ध होते हुए सीता को उठा के लेके जाने के बाद समुद्र तट पर पहुंचे और श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ रहे थे इसलिए कि आज गुरु पूर्णिमा है और मैं अगर मेरे गुरु की शरण में नहीं पहुंच सका तो मैं रावण से जीत नहीं सीखूंगा, रावण से युद्ध में मेरी जीत नहीं होगी। मुझे क्या करना है? वे अपने सूर्यवंशी सूर्य भगवान को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु कुछ मार्ग बता, रावण को जीतना है, मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है, मेरे सीता को मुझे ला लेना है, तो मुझे इस गुरु पूर्णिमा में मेरे गुरु की शरण में पहुंचना है। तब सूर्यवंशी सूर्य भगवान ने, जो उनके कुल देवता है, उन्होंने कहा कि हे राम, यही अगस्त्य और लोपामुद्रा का आश्रम है, जिस अगस्त्य और लोपामुद्रा की पूजा करने के लिए, क्योंकि अगस्त्य और लोपामुद्रा के दामाद थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, वो जरूर आएंगे। तो अगस्त्य आश्रम में चला गया और अगस्त्य महर्षि से ये बात कर ले, सूक्ष्म रूप से वशिष्ठ महर्षि जरूर अगस्त्य की पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि लोपामुद्रा ने उनको श्री विद्या उपासना दी थी वशिष्ठ और विश्वामित्र को। और आपको पता है रामचंद्र जी उस समय अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे और अगस्त्य की शरणों में नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु मुझे रावण को जीतना है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप भी मेरे गुरु समान हैं, मैं आपके चरणों में आया हूँ। अगस्त्य जी जानते थे कि वो किस लिए आया, वो उनके गुरु को मिलने के लिए आया, अगस्त्य जी को मिलने के लिए नहीं। तब रामचंद्र जी को कहा कि रामचंद्र जी तुम आप बैठ जाओ, रावण से तुम्हारी जीत जरूर होगी। और तब उन्होंने उस रामेश्वर की शिवलिंग, आज का जो शिवलिंग कहते हैं, उस शिवलिंग की स्थापना करते हुए रामेश्वर श्री प्रभु रामचंद्र जी को पूजा करवाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उनको उनके कुल देवता के आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तोत्र करवाया। और तब वशिष्ठ महर्षि सूक्ष्म रूप से उनके गुरु को नमस्कार करने आए और उस गुरु पूर्णिमा के दिन प्रभु रामचंद्र जी ने उनके गुरु को देखा और आशीर्वाद मांगा कि प्रभु आज 14 साल हो गए मैं आपके चरणों में नहीं आया, आज अगस्त्य महर्षि की कृपा से मैं आपके चरणों में आया हुआ हूँ और अगस्त्य महर्षि को नमस्कार करता हूँ। तो वशिष्ठ जी को अगस्त्य महर्षि कहते हैं, क्यों कि वशिष्ठ जी अगस्त्य महर्षि को अपने गुरु के समान समझते थे। और जब रामचंद्र जी को कहने पर उन्होंने सूक्ष्म रूप त्याग कर अपने प्रत्यक्ष रूप में आए और रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इस युद्ध में जीत होगी। और आपने देखा कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ और अगस्त्य महर्षि की कृपा से, वशिष्ठ की कृपा से रामचंद्र ने युद्ध किया और रावण से जीत करवाए। ये गुरु पूर्णिमा की महत्ता है। यहाँ भी अगर हम कहते हैं तो उस परमेष्टि गुरु की ही साधना, उस परमेष्टि गुरु की कृपा हुई। रामचंद्र जी को अगस्त्य का सहारा लेना पड़ा अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के, जबकि गुरु वशिष्ठ जानते थे रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है, वो वचनों में बद्ध है, सत्य हरिश्चंद्र से लेकर ये सारा रघुवंश है। यहाँ प्राण जाए पर वचन में जाए, ये अपने माता पिता के वचन पर वनवास भोगते हैं और वो मुझे आने के लिए वहां कभी नहीं कहेगा, मुझे ही जाना, मैं नहीं जा सकता, वो मेरे पास आ नहीं सकता, इसलिए उसे वनवास भोगना ही है। और जब ये बात हुई तब अगस्त महर्षि कृपा से वशिष्ठ का दर्शन हुआ, गुरु पूर्णिमा की पूजन हुआ और राम जी से युद्ध करते हुए अपने रावण को हराकर उन्होंने उस पूर्णता को प्राप्त किया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको, ये सारे हमारे चरित्र के उदाहरण। इस रहस्य को कभी कोई खोलता नहीं, कभी इस रहस्य को कोई बोलता नहीं। हम अगर हम परमेष्टि गुरु की साधना करें, हम उनकी कृपा प्राप्त करें, तो अगर वे प्रसन्न हो तो हम हमारी गुरु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस विशिष्ट साधना को जो शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न करता है वो इस संसार में सबसे विजयी माना जाता है। और यह साधना यूं ही नहीं दिया है, कम से कम शिष्य को वनवास तो अनुभव करना, या तो वनवास अनुभव करना पड़े, या तो गुरु की सेवा में उसकी लंगोट धोना पड़े, या तो दिन रात उसकी सेवा करना पड़े, तब कहीं परमेश्वर गुरु की साधना मिलती है। अब आपके हृदय पर हाथ रखकर करो, इसमें से कौन सी सेवा आपने की? और इसके बाद आपको परमेष्टि गुरु साधना दी जाए, आप आपके परमेष्टि गुरु को प्रश्न करें और आपके गुरु की कृपा प्राप्त करें। इसके विषय में आप क्या कर सकते हैं? यह परमेष्टि गुरु साधना अपने जीवन की वह साधना है। आप कौन सी भी महाविद्या की साधना करो, आज तक की होगी, कितने भी मंत्र जप किए होंगे आपने, और आपने कितनी साधना संपन्न की होगी। गुरुजी आपको सिद्धि प्रदान करने के लिए आगे पीछे सोचते भी होंगे, लेकिन अगर आप परमेष्टि गुरु साधना करते हुए उस परमेष्टि गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं और उनके साथ अपने गुरु का भी पूजन करते हैं, पहले परमेष्टि गुरु का पूजन और बाद में अपने गुरु का पूजन करते हुए, गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, उनके गुरु को प्रसन्न होते हुए, अगर वो उनके गुरु देख ले, परमेष्टि गुरु को प्रसन्न होते हुए अपने गुरु देख लें, तो हमारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। हमारा कर्तव्य नहीं, ये बहुत वनवास करने के बाद, बहुत साल तपस्या करने के बाद ही परमेश्वर गुरु की साधना दी जाती है। आज 10 साल के बाद अगर आपको मैं परमेश्वर गुरु साधना की जिक्र कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो यह आपके जीवन में कितनी उच्चता और कितनी दिव्यता को लेकर साधना है, यह आप विचार कर सकते हैं। जो इस साधना को चुका मैं तो समझता हूँ बहुत सारी साधना करते हुए वह अपने गुरु को प्रसन्न करने में अपनी साधना चूकने वाला आदमी कहलाया जाता है। इस परमेष्टि गुरु साधना में साधना बहुत छोटी, साधना सिर्फ 5 दिन की है, और अपने गुरु को स्थापन करते हुए, परमेष्टि गुरु और गुरु का पूजन करते हुए, परमेष्टि गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरु की प्रसन्नता को देखना, अपने गुरु की प्रसन्नता को देखते हुए परमेष्टि गुरु की प्रसन्नता को देखना, यह बात साधना के द्वारा जो मनुष्य करता है उसको सारे साधनाओं की सफलता और विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। इतने दिन तक की हुई साधनाएं सफल होती है, जैसे कि उदाहरण मैंने आपके सामने दी। हमारे जीवन में हमने कितनी भी पाप किए होंगे, हमारी साधना में कितनी गलतियां हुई होंगी, हमें सिद्धियां नहीं मिली होगी, लेकिन अगर हम हमारे परमेष्टि गुरु को हमारे गुरु के प्रत्यक्ष में प्रसन्न करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिनों में, और गुरु प्रसन्न होते हैं, तो हमें बहुत देर नहीं लगती कि हम साधना के सिद्धे या सिद्धि पुरुष कह रहे हैं। मैं यह साधना आपको इसलिए आज के दिन बता रहा हूं कि यह सारी वह रहस्यमय विधियां हैं जिन्होंने प्रभु राम कृष्ण या और भी जितने गुरु हैं उन्होंने संपन्न की, और उन्होंने कितने भी कष्ट भोगे, लेकिन इस साधना को संपन्न करने के बाद वे भी दिव्यता को प्राप्त करते हुए विजयी कहलाए। उन्होंने भी ऐश्वर्य प्राप्त किया, सुख सौभाग्य प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया और अपने जीवन को उज्जवल बनाया। हम हमारी गुरु पूजन या गुरु मंत्र जप करते समय, मैंने आपको गत 21 अप्रैल को एक बात कही थी, 5 सवाल जो मंत्र जप पूर्ण करता है उन्हें गुरु गुटिका दी जाएगी। जिस गुटिका को मैंने आपने पारा गुटिका को आपको मैंने दिया था, आज उस 5 सवाल को पूर्ण करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं तो कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों ने पूर्ण की। उनको उस परमेष्टि गुरु साधना को मैं जरूर प्रदान करूँ, क्योंकि वे भी गुरु कृपा प्राप्त करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हुए देखें, अपने परमेष्टि गुरु की प्रसन्नता को भी वो देखें। जब ये दिव्यता अपने जीवन में आएगी, जब इस दिव्यता को हम प्राप्त करेंगे, हम भी हमारा जीवन उज्जवल बनाने के श्रेष्ठ उज्जवल बनाने के लायक बनाएंगे, और हम सिद्धियां हमारे साथ हमें सामने खिली। हमारे गुरु प्रसन्न हुए, हमारे गुरु कब प्रसन्न होते हैं कि जब उनके गुरु प्रसन्न होते हैं, हम उनके गुरु के प्रति हमारी सेवा, या हम उनके गुरु अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार हम उनके गुरु को प्रसन्न होते हुए देखें, यह उनके सामने होना चाहिए। और यह केवल उसी समय होता है, क्योंकि अपने गुरु भी उनके गुरु की पूजा करने जाते हैं। आपने अगर गुरु पूर्णिमा का कैसेट देखा होगा तो ऐसी कोई गुरु पूर्णिमा नहीं जिसमें गुरु जी ने उनके गुरु का आह्वान ना किया हो और उनका पूजन ना किया हो। और ये बात कहीं हो कि मैं मेरे गुरु का आह्वान करते हुए मैं मेरे गुरु का पूजन मानसिक पूजन संपन्न कर रहा हूँ और मैं दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे सारे शिष्यों पर कृपा करें। ये किसी गुरु पूर्णिमा में गुरु जी ने नहीं कहा, ऐसा नहीं है। मैं जरूर अपने गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु का पूजन करने के बाद ही स्वतः का पूजन करवाते थे। यह आप अगर पुराने शिष्य है तो आप सब लोग जानते हैं। मैं आज वही परमेष्टि गुरु साधना कह रहा हूं। हम हमारे गुरु की पूजन करते हुए, हम अगर उनके गुरु की पूजन आज होता है तो अगर गुरु जी यहाँ विद्यमान है, गुरु जी गुरु पूर्णिमा में यहाँ आए हुए हैं, स्वामी निखिल चेतना केंद्र का निखिलेश्वर आनंद जी यहाँ आए हुए हैं, तो वो उनकी गुरु पूजन संपन्न करेंगे। हम उनके गुरु पूजन के साथ साथ हमारे गुरु को पूजन करेंगे और परमेष्टि साधना संपन्न करेंगे और उस दोनों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए हम सिद्धाश्रम का मार्ग सुगम करेंगे। हम सिद्धाश्रम पहुंचने का मार्ग सुगम करेंगे। बहुत हो गया हमारे जीवन में, धन, ऐश्वर्य, पत्नी, भोग, लालसा, इन चीजों को मांगते हुए हमने जीवन गुजारा। हम एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारे, हम ही नहीं, हमारे पितर, हमारे आने वाले जन्म, आने वाली पीढ़ियां भी उद्धार चाहे, जिनका उद्धार हो वो भी उस सिद्धाश्रम के मार्ग पर लगे, वो कहे आनंद के साथ कि हमने, हमारे माता पिता भी सिद्धाश्रम पहुंचे हुए योगी है, उन्होंने गुरु कृपा प्राप्त की है, वो ये बात कह सके, सत्य है, ये बात कह सकें कि हम वहां पहुंच सके, हम सिद्धाश्रम पहुंचे, जिस गुरु जी के आशय को हम पूर्ण करें। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना मैंने सिर्फ उसी उद्देश्य की। यहाँ आप साधनाएं करो जिन साधनाओं को गुरु ने कहा है। 10 महाविद्यालय का विश्वविद्यालय स्थापना हो जिन महाविद्यालयों को आप सिद्ध करें और हम सब मिलकर सिद्धाश्रम पहुंचे। आज गुरुजी हैदराबाद आकर 1996 से 2006 10 साल हुए और गुरु पूर्णिमा करते हुए 9 साल हुए। 79 में गुरु पूर्णिमा हुई थी, आज ये 2006 की गुरु पूर्णिमा है। और गुरु जी ने कहा था, अगर आप गुरु पूर्णिमा का कैसेट देखें तो हैदराबाद में 11 गुरु पूर्णिमाएं होंगी और 11 गुरु पूर्णिमा के बाद यहाँ के लोग सिद्धाश्रम पहुंचेंगे। मैं ये मेरे गुरु के कसम खाते हुए गुरु ने आप कहते होंगे कि ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूं। मैं आपको इस तरह नहीं, मैं गुरु वचनों को लेकर चलने वाला हूँ। मैं गुरु वचनों को लेकर, मेरा एक ही ध्येय है। मेरे गुरुजी ने जब सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है, सिद्धाश्रम वह मेरू है इस पृथ्वी का, इस भारत का, जहां हम ललिता राजराजेश्वरी माता को महावतार बाबा की पूजा करते हुए मेरू पर बैठे हुए देखते हैं। महावतार बाबा भी सिद्धाश्रम के संचालक थे, जिस प्रकार उन्होंने सिद्धाश्रम के ऊपर एक ऐसे स्थान में राजराजेश्वरी की स्थापना की है जो सिद्धाश्रम का मेरू कहा जाता है। और जो सिद्धाश्रम में मनुष्य पहुंचा वो उन सारे श्री विद्या की दुष्मा विद्याओं की पूजा करते हुए, उस ब्रह्मा विष्णुओं को पार करते हुए उस बिंदु तक पहुंचने वाला व्यक्ति कहा जाता है। सिद्धाश्रम पहुंचना हमारी श्री विद्या का परिचायक है। जो श्री विद्या उपासक हुए, श्री विद्या उपासक ही दशमा विद्या उपासक है, इनको महाविद्याएं क्यों कहा गया। उस मेरू पर पहुंचने वाला आदमी ही, सिद्धाश्रम पहुंचने वाला आदमी ही सच्चा योगी, सत्ताधारी और उस ललिता मायामा लीलाविनी का की लीला को जानने वाला व्यक्ति कहा गया। इसलिए गुरु जी बार बार कहते थे, जिसे पुनर्जन्म नहीं होता, इस जन्म में वो अपने सातों जन्मों को देखता है, आने वाले जन्मों को देखता है, जीवन को सुधारता है। अपना अकेले का जीवन ही नहीं और 10,000 लोगों का जीवन सुधारने की प्रक्रिया सिर्फ सिद्धाश्रम में चलती है और कहीं इस जीवन में नहीं होती। आप ये आजकल के जिस गुरुओं के पास भी जा रहे हैं, आपको मेडिटेशन के नाम पर, ध्यान के नाम पर आपकी शांति की बात करते हैं। आपके बाजू वाला शांति अनुभव नहीं कर सकता और वो आपको डिस्टर्ब करता है आपके ध्यान में। आप देखकर कभी देखो, कितने भी आर्ट ऑफ लिविंग हो या और कोई ध्यान में समाधि हो और योगी हो, ये सब आपके शरीर के संबंधित है। आपको संबंधित करके, समाज को संबंधित करके नहीं, प्रकृति को संबंधित करके नहीं, प्रकृति को उज्जवल रखने के वाले नहीं है। आप वहां उनके पास जाते हैं तो किस कौन से हालत में जाते हैं कि हमें शांति नहीं प्रदान होती। ध्यान करो, ये आपकी इंडिविजुअल समस्या है। ये कितने दिन तक ऐसा चलेगा? इंडिविजुअल शांति क्या है? अच्छी नींद लगे, अच्छा खाना खाए, अच्छा सो जाए। इसके लिए टाटा बिरला भी कर रहा है, अंबानी भी कर रहे हैं, सब लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, नौकरी करने वाला 50,000 कमाने वाला। ये शांति है? एसी के रूम में बैठ जाओ और सब काम छोड़कर आंखें मूंद कर बैठ जाओ, ये शांति? कर्मण्य जीवन, ये शांति है? किसको उपयोगी नहीं है जीवन? कितने ऐसे साधु हैं जो हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हैं, कितने ऐसे पशु पक्षी जानवर जंतु जो जंगलों में बैठे हुए हैं, हर एक किसी सिंह को खा लेता है, जाकर सिंह सो जाता है मस्त, उसको बहुत शांति है, ध्यान में लगा हुआ है। ऐसा ध्यान किस काम का जिससे हमें ही शांति प्रदान करे, जो समाज का काम ना आए, जो समाज के उपयोगी हमारा शरीर ना हो, तो उस पशु में और हमारे में क्या फर्क है? मैं जब दुबई गया था तो वहां भी सब लोग यही बात, ध्यान की बात और आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे। मैं उनको दोष नहीं देता, वो उनके जीवन में व्यस्त है, उनके जीवन में व्यस्त है, इसलिए उनको शांति नहीं मिलती। पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए, भारत से जाकर दुबई में बैठे हुए, 24 घंटे काम करते हैं, शांति नहीं मिलती। तो कहते हैं कि तो ऐसा कर, 3000 रुपये दे दे, मैं एक एसी रूम देता हूँ, उसमें बैठ जा, ध्यान इस प्रकार करना होता है। 3000 रुपये और एसी रूम में तो खाली बैठा रहेगा तो शांति नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? शांति जरूर लगेगी ही लगेगी। 3000 रुपये खर्च हो गए तो जरूर जरूर बोलेगा जो बाहर आएगा, मेरे को भी 3000 रुपये दे दो, आप एक एसी रूम में बैठा देता हूँ, सब खाना पीना आपको आ जाएगा, बस बैठे रहो काम कर बिना करते। उस एक दिन का तो शांति जरूर मिलेगी आपको। और जब कभी भी आपको याद होगी उस एसी रूम की याद करते हुए फिर आप आ जाएंगे, 3000 रुपये में शांति मिलती है। वो शांति किसका? आपको शांति चाहिए या समाज को शांति? क्यों डेवलपमेंट नहीं रुक रहा है? क्यों हमारे मंदिर गिराए जा रहे हैं? क्या कभी हमारे दिल को ठोस नहीं लगती? इस भारत में हम बैठे हुए हैं, हमारे भारत में हम राम मंदिर नहीं बना सकते, हम दूसरी जगह बनाने की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारे दिल को कभी ये नहीं लगता कि हम क्यों हमारे जीवन में ये काम नहीं कर रहे? क्योंकि आप सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में सोचते हैं, आप समाज और राज्य के बारे में सोचते नहीं। आज आप उस भगवान के बारे में सोचते नहीं, अरे यार राम को यहाँ स्थापन किया गया, अयोध्या में स्थापित किया गया, ये कि मैं मेरे घर में राम की मूर्ति स्थापन करके पूजा करता हूँ, वहाँ अयोध्या में जाके स्थापन करने की क्या जरूरत है? ये तेरी धारणा है, तू तेरे लिए विचार कर। समाज में राम का सामर्थ्य तू बताना नहीं चाहता, तू तेरा सामर्थ्य बताना ही नहीं, क्योंकि सामर्थ्य है ही नहीं। तूने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। तुझे अपनी शांति चाहिए, अपनी अकेले की, उसके बाद अपनी पत्नी की, उसके बाद अपने बच्चे की, उसके बाद अपने परिवार की। और तू इसमें ही घिरा रह के तेरा जीवन बुढ़ापे तक गुजारता है। फिर बाद में बच्चे जब ये चाहते नहीं या समाज से धिकारता है, तब उनको कोसता है कि समाज ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे वो ऐसी है, इस बात को होते हुए जीवन गुजारता है, क्योंकि तूने सामर्थ्यवान जीवन जीने का तरीका सीखा ही नहीं। तू समाज से अगर प्रेम करता, तू समाज की अगर समाज का लोक कल्याण करता, तो ऐसे कितने गुरु हैं जो जंगल में बैठे हैं, उनके पीछे हजारों शिष्य हैं, उनके जाने पर रोते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे सामर्थ्यवान हैं। आज हम जाने के बाद भी उनकी समाधियां बनाकर हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य, उन्होंने समाज के बारे में सोचा था, अपने अकेले के बारे में कभी नहीं सोचा था। वैसे लोगों को चाहे बुढ़ापा है, चाहे उनका शरीर निर्जर भी हो, लोग उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन तू अपने लोगों के लिए करता है, तो अपने लोग तो तेरे पास जब तक पैसा है तेरी सेवा करते हैं, पैसा नहीं है तो तुझे धुतकार देते हैं, तुझे निकाल कर फेंक देते हैं, तेरी सेवा कोई नहीं करता, क्योंकि तूने समाज को चाहा ही नहीं करता। आज वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, ऋषि क्यों कहलाए? हर वेदों में ये कहा गया है। उन्होंने क्षत्रिय से राम कृष्ण को क्यों सृष्टि की? चाणक्य से अर्जुन चंद्रगुप्त की सृष्टि क्यों की? क्योंकि वो समाज को बदलना चाहता था। वो इतिहास प्रसिद्ध हुआ, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाया, क्योंकि उसने परम गुरु की उस वाक्य को याद रखा कि संसार को किस तरह बदलना है, प्रकृति को किस तरह बदलना है, समाज को किस तरह बदलना है। समाज को बदलने में सारी शांति है, बल्कि इंडिविजुअल बदलने में। हम इस पाशविकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पशुता है, अपनी शांति चाहना पशुता है। पशु भी चाहता है, अपनी कहीं भी जाए, चोरी करके रोटी कुत्ता चोरी करके लाता है, खा लेता है, पेट भर गया, जाके किसी दूर में सो जाता है आनंद के साथ। ये आर्ट ऑफ लिविंग है उसका। मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप भी इस बात को सोच कर देखो, ये उसका लिविंग है। हम भी उसी लिविंग के हद तक अगर विचार करते हैं तो हम मनुष्य कब कहलाए? मनुष्य से देवता, मानव तो हम बने ही नहीं। अगर मानव बने तो देवता बनने की प्रक्रिया, देवता के बाद ऋषि बनने की प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर रहे हैं। देवता वो होता है जो देने की क्षमता रखता है, और ऋषि वो होता है देने वालों को पैदा करता है। हमारे में हम आज तक बहुत सारा जीवन जी लिए, बहुत बार मैंने आपको कहा, आप हर बार यही समस्याएं लेकर आते हैं, मुझे मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, शादी नहीं हुई, मेरा वो नहीं हुआ। कभी आप ये सोचो, आप जिस दिन महान बनेंगे उसी दिन महान बन सकेंगे जब तक आप सारे संसार समाज के बारे में सोच सकेंगे कि हम उनके बारे में कुछ करना है। तब आपको बुढ़ापा आपका कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, आपका जीवन कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। आप जब स्वार्थवश सोचते हैं तो अगला आदमी जरूर वो भी स्वार्थवश सोचता है और आपके दोनों में झगड़ा होने लगता है। आप पारमार्थिक तत्व को जानते नहीं और उस पारमार्थिक तत्व को जानने के लिए पहले आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ता है, उसके लिए गुरु कृपा प्राप्त करना पड़ती है। गुरु कृपा प्राप्त करने वाला आदमी ही वो अपने इस सामर्थ्यवान जीवन को जीते हुए आगे 10 लोगों को जीते हुए एक मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति कहलाया जाता है। समाज में उसको वो दुख नहीं भोगना पड़ता जिसे आप कुछ भी कहो जो एक सांप्रदायिकता एक पशुवत जीवन है, अपना पेट भरना, आप हम घर बांध लेना, हमारी शादी होना, हमारे बच्चों का अच्छा होना, यहाँ तक सोचने की प्रक्रिया ये पशुवत है। पशु भी अपने बच्चों को देखते हैं, दूध पिला के बड़ा हुआ नहीं हुआ, वो सोया है उसको खाना है, वो भी देखते हैं। हमारे में उनमें क्या फर्क है? कब सब हम समाज के बारे में सोच सकेंगे? तो इस सभी के कार्य के पीछे गुरु कृपा एक श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। और इस गुरु कृपा को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, गुरु की प्रसन्नता किस प्रकार हम इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं, यह एक विधान है। और इसके लिए मैंने आपको जैसा कहा, मैंने जैसे उदाहरण दिए कि हम हमारे गुरु के साथ साथ उनके गुरु की पूजा करते हुए उनके गुरु को और प्रसन्न देखे। कब अपना गुरु प्रसन्न होता है? जब अपना शिष्य सामर्थ्यवान कहलाए, जब शिष्य अपना सबसे श्रेष्ठ कहलाए तब गुरु को प्रसन्नता होती है। जब देखते हैं हम छोटा उंगली पकड़कर चलने वाला बच्चा अगर अपने पाँव पर खड़े रहे और भागे तो हम आनंद के साथ देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा भाग रहा है, देखो देखो भाग रहा है, उसको बहुत आनंद होता है। उसी प्रकार अपने शिष्य को अपने पाँव पर खड़े होकर आगे बढ़ते हुए जब देखता है गुरु को आनंद होता है कि मेरा शिष्य महान हुआ। जब यह पता परमनिष्ठ गुरु को अपने गुरु की पूजा करते समय अपने शिष्यों को लेकर अपना गुरु जाता है कि मैंने इतने सारे शिष्यों आए हैं गुरु जी, ये आपकी पूजा करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वो कहता है कि मेरे एक दिए से इतने दिए जले, वो गुरु प्रसन्न होता है और वो कहता है कि मैं उस गुरु के साथ तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। और जब उस गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं तो ये गुरु प्रसन्न होंगे ही। परमेष्ठ गुरु के साथ परम गुरु के साथ गुरु प्रसन्न होंगे। और जब ये तीनों भी प्रसन्न हो जाएंगे हमारे संसार में हमें कुछ भी अप्राप्त वस्तु इसे नहीं रहेगी, हम सारी चीजों को प्राप्त करने वाले करेंगे। इसे ही परमेष्ठ गुरु साधना कहा गया। इस परमेष्ठ गुरु साधना को जो अपने जीवन में संपूर्ण कर लेता है, जो प्राप्त करता है, वह संसार का सबसे बड़ा सिद्धयोगी और सिद्धांत में पहुंचने वाला महान पराक्रमी कहलाता है, महान सामर्थ्यवान कहलाता है, वह सेविद्या उपासक कहलाता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा महाविद्या साधक कहलाता है। मैं इसलिए आज की इस दिव्य चेतनावान दिन जो त्रयोदशी के चतुर्दशी है, जिसे शिवरात्रि हर महीने की हम महाशिवरात्रि की तरह त्रयोदशी को और चतुर्दशी को एक विशेषता लेकर चलते हैं, हम उस विशेषता के साथ इस गुरु पूर्णिमा के आज पहले प्रथम दिन ब्रह्म गुरु को अपने साथ में प्राप्त करते हुए हम उस विद्या को प्राप्त करते हुए उस परमेष्ठ गुरु की साधना को हम विशेष मुहूर्त में संपन्न कराएंगे। और उस विशेष मुहूर्त में संपन्न कराने के लिए आपको साधना किस प्रकार करनी है, हम परमेष्ठ गुरु की पूजन, परमेष्ठ गुरु का पूजन किस तरह करते हैं और परमेष्ठ गुरु का बिंदु रूप दर्शन किस तरह लेते हैं और हमारे गुरु को प्रसन्न किस प्रकार किया जाता है। और जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होते तब तक कोई महाविद्या, कोई श्री विद्या हमें प्रसन्न नहीं होती। हर महाविद्या को पूजन करते समय, हर श्री विद्या को पूजन करते समय जब तक तू गुरुपद प्राप्त नहीं करता तब तक कोई विद्या तुझे प्राप्त नहीं होती। और तू गुरु विद्या प्राप्त करने के लिए तू कब प्राप्त कर सकता है? ये प्रमोशन है, गुरु से परम गुरु, परम गुरु से परमेश्वर गुरु, परमेश्वर गुरु से परात्पर गुरु और परात्पर गुरु से परापर गुरु। जब तू परमेश्वर गुरु के पूजन करने के योग्य हो जाता है तो तेरे गुरु परम गुरु बन जाते हैं और तू गुरु बनता है। इस गुरु बनने का कार्य में तुम्हें गुरु बनने के कार्य नहीं सिखा रहा, मैं गुरु कृपा प्राप्ति का विधान सिखा रहा हूँ, महाविद्या सिद्ध करने का विधान सिखा रहा हूँ। गुरु मंडल आसन किए बिना कोई महाविद्या, कोई श्री विद्या का पूजन नहीं होता, कोई विद्या सिद्ध नहीं होती। और इसलिए इस परमेष्ठ गुरु का साधन किस प्रकार करना चाहिए, आज उस साधना को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत वर्ष लगा दिए और मैं आगे भी चाहता हूँ। तो गुरु जी का गुरु पूर्णिमा में यह वचन था कि 11 वर्ष यहाँ गुरु पूर्णिमा होगी और 11वें वर्ष के बाद यहाँ के लोग सिद्धार्थ में पहुंचेंगे। तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा हैदराबाद में कम्प्लीट होते हुए 9वां वर्ष कम्प्लीट हुआ। अगला वर्ष एक है और अगला वर्ष उसके बाद अगर गुरु जी के अगर की बात मैंने कहना चाहिए, गुरु के वचन सिद्ध है, तो आप मेरे साथ कितने लोग आएंगे और किस निमंत्रण पत्रिका का आप निमंत्रण पत्रिका का इंतजार करते हुए गुरु पूर्णिमा पहुंचेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप गुरु पूर्णिमा पहुंचेंगे तो हमारी 11वीं या 12वीं गुरु पूर्णिमा जरूर हम सिद्धांत मनाएंगे, ये मैं वचन के साथ कहता हूँ। जब मेरा गुरु का वचन गुरुजी ने अपने गुरु की कसम खाकर ये बात कही थी और मैंने ये बात आज तक नहीं कही। आप उस कैसेट को देख सकते हैं और मैं यही गिनता हुआ इस बार जो परमेष्टि गुरु की साधना दे रहा हूँ, अगले गुरु पूर्णिमा को परात्पर गुरु की साधना दूंगा और उसके बाद परात्पर गुरु की साधना दूंगा और वह साधना ही अपनी उस गुरु परंपरा की और उन महाविद्याओं के अंतिम चरण की साधना होगी जिसे हम महाविद्याएं सिद्ध करने का एक विधान है। इसके लिए हमारे चित्त, हमारी पूर्णता और हम संसार में सामर्थ्यवान बनकर हमारे घर के सभी लोगों को वो सारा ऐश्वर्य देकर उनकी आज्ञा लेते हुए हम सिद्धाश्रम को प्रस्थान करने के लिए, हमें योग्य बनने के लिए हमें उस गुरु की कृपा प्राप्त करनी है और उसे परमेश्वर की साधना कहा है। आज शाम में गुरु आरती होने के बाद मैं यह परमेश्वर गुरु साधना संपन्न करवाऊंगा। परमेश्वर गुरु साधना पूरे एक घंटे तक चलेगी और उससे पहले जिन साधकों को भी मैं एक बात कह रहा हूं, आपने मेरे जीवन में बहुत बार पूछ लिया, आपके बच्चे, आपकी साधनाएं, आपकी व्यापार, आपका नौकरी, आपके और विधान, ये सारे पूछ लिया। ये तो जीवन की सामान्य गुरुजी की ने भौतिक साधनाएं समर्थाओं में और मंत्र तंत्र ज्ञान पत्रिकाओं में रोज आपको ये साधनाएं मिलती है। आपके हर जीवन की समस्या की साधना हर एक आपको रोज रोज मिलती है। आप पत्रिका निकालो तो आपको लक्ष्मी किस तरह प्राप्त हो, आपकी धन प्राप्ति किस तरह प्राप्त हो, ये सारी साधनाएं आपको मिल रही है, उसकी सामग्री मिल रही है। साधना का मार्ग स्वयं गुरु जी के पास से आ रहा है। आप संपन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, ये हमें लेना देना नहीं। लेकिन एक बात कहता हूं, जो गुरु वचन है, जिस गुरु वचन में गुरुजी ने ये बात कही है कि सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना करते हुए सिद्धाश्रम पहुंचना ही ध्येय उन्होंने रखा है, उसी ध्येय को मैं लेकर इस निखिल चेतना केंद्र की मैंने स्थापना की। मेरा और कोई ध्येय नहीं था मेरे को आपको कुछ ऐश्वर्य देना, मैं आपको कुछ, मेरा ध्येय यही है, मेरे गुरु वचन सिद्ध है तो मैं सिद्धाश्रम पहुंचूंगा। और सिद्धाश्रम पहुंचने हमारा व्यक्ति दशमा विद्याओं का सिद्ध, श्री महाविद्याओं का सिद्ध और वही योगी ही वहां कहलाता है, वही जा सकता है। और वह सिद्ध व्यक्ति जहां खड़ा रहता है उसके साथ हजारों लोग खाना खाते हैं, उसके साथ हजारों लोग ऐश्वर्यवान जीवन जीते हैं। ऐसा सिद्ध योगी बनने का, वही सिद्धाश्रम जाने का एक सिद्ध योगी या सिद्ध पुरुष कहला सकता है। और उस परंपरा को लेकर मैं चल रहा हूं। जबकि मैंने आपके संसार में, आपके जीवन में न्यूनताएं बहुत सारी देखी होगी, न्यूनताएं हैं, अभी भी आप जीवन जब तक है न्यूनताएं आपके साथ पड़ी हुई है। लेकिन उन न्यूनताओं को एक तरफ करते हुए अगर आप चरण आगे डालेंगे तो आप सिद्धाश्रम पहुंच सकेंगे और सिद्धाश्रम पहुंचेंगे तो आप पलट जाने के बाद ऐसे हजारों परिवारों का उद्धार कर सकेंगे। और गुरु जी के यही कारण आप हम सभी लोगों को सिद्धाश्रम ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ परिवार की स्थापना की। और उसी उद्देश्य से जन चेतना केंद्र चल रहा है। आज उस परमेष्टि गुरु की साधना को मैं आपको शाम में करवाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रार्थना के समय पर रखता हूं। जिन्होंने भी गुरु का वचन अगर आपने प्रमाण माना है, आज मेरे सामने प्रमाण करके कहो कि आपने अगर गुरु वचन सिद्ध माना है, सिद्धाश्रम साधक परिवार गुरु जी की स्थापना के पीछे सिद्धाश्रम जाना ही वचन गुरु जी का है, तो आप उस परमेष्ट गुरु की साधना संपन्न करेंगे। और परमेष्ट गुरु साधना संपन्न करते हुए आने वाली गुरु पूर्णिमा और आने वाली गुरु पूर्णिमा को परात्पर प्राप्त गुरु की साधना करते हुए हम सिद्धाश्रम जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसके लिए हम चाहे जीवन में कुछ भी हो, हमें साधना संपन्न करेंगे, यह आपको प्रमाण करना होगा। क्योंकि आप गुरु वचनों को मानते हैं, अगर तो आपके जीवन में सिद्धाश्रम पहुंचना यही वचनबद्ध है, गुरु जी का यह वचन है। गुरु ने कभी ऐसी साधना नहीं की, धन साधना परिवार नहीं, गुरु ने नहीं रखा, गृहस्थ साधना परिवार नहीं रखा, गुरु जी धनवान साधना परिवार साधक परिवार नहीं रखा। गुरु जी ने रखा है सिद्धाश्रम साधक परिवार। और सिद्धाश्रम का योगी पूर्ण योगी कहलाता है, वो सारे महाविद्याओं का योगी कहलाता है। और इस विद्याओं में आपको अगर प्राप्त करना है, आगे करना है, तो आज आपको किसी भी समय हो, आपको पहले पहले गुरु मंत्र जप की माला 11 माला करनी है। उसके बाद परमेष्टि गुरु की साधना ओम सच्चिदेकम ब्रह्म इस मंत्र की 5 माला जो पूर्ण करेंगे, उन्हीं को परमेष्टि साधना शाम 6 बजे मैं दूंगा। शरीर पर आपके स्त्रियां पीला वस्त्र, हरा वस्त्र अपने शरीर पर धारण करेगी, गुरु साधना धारण करेगी, और पुरुष पीला या हरा वस्त्र धारण करेंगे और गुरु साधना धारण करेंगे। इसके सिवा उनके ऊपर कोई वस्त्र न होगा और यह परमेष्टि गुरु साधना संपन्न करवाई जाएगी। उसके साथ जो भी सामग्री होगी मैं जरूर दूंगा। आपको ये 2 मंत्र जरूर संपन्न करने हैं। जिन्होंने ये मंत्र संपन्न किया, जिन्होंने 5 सवा लाख में आपको गत 21 अप्रैल को मैंने कहा था, उन्होंने संपन्न किया हो ना किया हो, उनके जीवन में करवाऊंगा जरूर। तो इस घटना से पहले आप 11 माला गुरु मंत्र की और ओम सच्चिदेकम ब्रह्म, सच्चिदानंद ही ब्रह्म है, यह मंत्र की 5 मालाएं स्फटिक माला से पूर्णकर आप परमेष्ट गुरु साधना के लिए संपन्न करने के लिए स्वयं 6 बजे आप यहाँ आकर गुरुवार की संपन्न करने के बाद आप यहाँ आए, मैं साधना आपके साथ संपन्न करवाऊंगा। यह जीवन की श्रेष्ठतम साधना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने गुरुजी के जीवन में शायद गुरुजी से 1984 से जुड़ा हुआ 1997 तक गुरु को हैदराबाद गुरु पूर्णिमा लाकर साधना संपन्न करवाने 98 की गुरु पूर्णिमा के आखिरी दिन मैंने 1998 की गुरुजी के मैंने वो आखिरी क्षण भी देखे हैं। मैं गुरुजी के साथ आखिरी क्षण तक भी रहा। 84 से जुड़ा 93 तक तो मैं गुरुजी से कितना ही दूर रहा। 93 से जब गुरु के पास हो गया और गुरुजी मुझे बुलाने लगे, बाद में गुरुजी हैदराबाद और उसके बाद 98 के दिन जब गुरुजी के आखिरी क्षण थे, गुरुजी ने मुझे बम्बई लीला के हॉस्पिटल में बुलाया और गुरुजी ने जो बात कही और जिस बात से मैं ये आगे करके चल रहा हूँ, उस बात को लेकर आगे ये कार्य बढ़ रहा है। उस कार्य को लेकर मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें सिद्धाश्रम पहुंचना है और गुरुजी को स्वामी निखिलेश्वर जी को उसी रूप में हमें देखना है। जब हम उनको उसी रूप में देखेंगे, निखिलेश्वर जी को सिद्धाश्रम में देखेंगे, क्योंकि उनका यह भी वचन है कि जोशी मैं सिद्धाश्रम तुम्हें दर्शन दूंगा, तब मेरे हृदय पर तुम मेरे हृदय को चीर के देखना और उसके ऊपर तुम्हारा नाम ना हो तो मैं गुरु नहीं हूँ। ये वचन मेरा गुरु दिया और उन्होंने ही अपने गुरु पूर्णिमा में कहा था कि हैदराबाद में 11 गुरु पूर्णिमाएं होंगी और 12वीं गुरु पूर्णिमा सिद्धाश्रम में होगी तो जरूर होगी। आज ये नवी गुरु पूर्णिमा हम पूर्ण कर रहे हैं। ये बार बार मुझे याद दिला रहा हूँ और एक बात जरूर कहता हूँ आपको, गुरुजी को मैंने 84 से 93 या 97, 98 तक देखा है। उनके सारे शिविर मैंने अटेंड किए, लेकिन आपकी ही बांती कभी कोई साधना का पैकेट लेता, कभी कोई साधना का पैकेट नहीं लेता, कभी पैसे लेते, कभी दीक्षा लेता, कभी दीक्षा नहीं। मैंने तो एक भी दीक्षा नहीं ली, साधनाएं संपन्न की। मैं आपके सामने पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैंने गुरुजी जब तक बुलाकर शक्तिपात दीक्षा नहीं दिए, मैंने कोई शक्तिपात दीक्षा नहीं। गुरुजी ने लास्ट में 96 से 98 तक स्वयं बुलाकर शक्तिपात दीक्षा दी थी। मैंने कोई गुरु से प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे शक्तिपात दीक्षा दो, लेकिन उनके जितने भी साधनाएं थी उन साधनाओं को मैं संपन्न करता हुआ, साधनाओं को पूर्ण करता हुआ आगे चला। लेकिन कभी कभी साधना कोई छूट जाती और साधना छूट जाती, अरे एक साधना गया, अपने तो वो साधना कर ली है ना, गुरुजी ने वो तो साधना कही थी, अपने ये साधना कही तो गई, दूसरी साधना देख लेंगे। इस प्रकार मैं जब करते हुए आया और उनके बातों को मैंने विशिष्टता न देते हुए कुछ साधनाओं को मैं बिना करते छोड़ दिया। आज जब मैं कभी पुस्तक को पलट कर देखता हूँ या उनकी कैसेट सुनता हूँ और मेरे जीवन में जब उसका आभास होता है तो मैंने कहा कि गुरुजी को रहते हुए मैंने वो साधना संपन्न नहीं की। आज मैं अगर मैं जाता हूँ जोधपुर भी और उस यंत्र को पूछता हूँ तो कहते हैं वो यंत्र नहीं मिलता, वो यंत्र नहीं है। ऐसे बहुत सारी साधनाएं जो गुरुजी ने आदर्श साधना कही थी, आकाश गमन विद्या की साधना कही थी, गुरुजी ने इस संसार में व्याख्या साधना के बारे में कहा था, इस संसार की चमत्कारिक साधनाएं थी, गुरुजी ने नवग्रहों पर जाने की साधनाएं संपन्न करवाई थी। तब हमारे पास या तो पैसा नहीं था या हमारे पास ज्ञान नहीं था और हम उस चीजों को नहीं ले सके। और मैं आज उस साधना के लिए कहीं भी जाकर, मैं स्वयं जोधपुर जाकर मेरे भाइयों को या मेरे यहाँ के शिष्य साधकों को जोधपुर भेजता हूँ कभी भी कि जाके देख क्या क्या वह साधना पैकेट है और वहां से उत्तर मिलता है कि वो साधना पैकेट नहीं है। और आज हाथ मलते हुए रह जाता हूँ कि जब गुरु जी के रहते हुए मैंने वो साधना संपन्न नहीं की। आज मेरे घर में इतनी साधना संपन्न साधना की सामग्री पैकेट गुरु जी के काल से संपन्न करने के बाद भी मैंने एक एक्स्ट्रा रखी है। मैं मेरे बेटे को या मेरे शिष्यों को कहता हूं कि यह आज की धरोहर नहीं, आने वाली धरोहर है। आने वाली आपकी पीढ़ी को जब भी आपकी जीवन में समस्या आए, आप इस सेंटर की साधना इस प्रकार है बेटा, ये यहाँ लिखी हुई है, ये कर लेना और आपकी समस्या का समाधान करना। जब तक गुरुजी के रहते हुए हमने उस साधना को संपन्न नहीं किया और जीवन में आभास हुआ तब जो हम चाहे कि हमें साधना चाहिए तो वो साधना नहीं मिली, कोई देने वाला नहीं रहा। गुरुजी क्यों मुहूर्त को जानते थे, किस मुहूर्त पर साधना प्रदान करते थे, उस साधना की विशिष्टता को समझाते थे और हम हमारे कुछ कारणों को बतलाते हुए साधना को नहीं करते थे। लेकिन जब जीवन में हम इस गुरु परंपरा में हैं और हम सिद्धाश्रम जाने वाले हैं तो गुरुजी की हर एक छोटी साधना भी आज हम नहीं, अगर हम चूक जाते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। मैंने बहुत बार देखा। आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गुरुजी ने 1980 से मंत्रतंत्र विज्ञान की पत्रिकाएं मंत्र पत्रिकाएं छापी है या चला रही है। आज 1994 में 1980, 81, 82, 83 की पत्रिकाओं के बारे में कहीं जाऊं तो मैं कहता हूं हजारों या लाखों साधकों में कोई 10 या 12 साधक ऐसे हैं जिनके पास वो पत्रिकाएं उपलब्ध है। और जब उन साधकों को जाकर अगर हम पूछे कि भाई तुम वो साधना, तुम्हारे पास वो पत्रिकाएं वो दो, हम जेरॉक्स कर लेंगे या हम उसका कॉपी कर लेके देंगे, तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं देते, हम ये पत्रिकाएं किसी को नहीं देते, आपको लेना है। एक साधक को, मैं ऐसे साधक को भी देखा है कि मेरे पास 81 से 85 तक पत्रिकाएं हैं, अगर आप 10,000 रुपये दो तो मैं दूंगा। जिस पत्रिका की कीमत उस जमाने में 18 रुपये थी, आज उस पत्रिका की कीमत 10,000 रुपये वो आंक रहा है। तो उसने कुछ किया नहीं, उस पत्रिका को प्रिजर्व करके रखा, उस पत्रिका को अपने पास रखा है और उसका मूल्य कहता है 10,000। और 1 लाख भी कहेगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर वो 1 लाख भी कह रहा है तो मैं लेने के लिए तैयार, इसलिए क्योंकि वो जो ज्ञान के साथ था वो चला गया। मैं सिर्फ पत्रिका की बात कर रहा हूं, साधनाओं की बात तो दूर रही, यंत्रों की बात तो दूर रही। आज आने वाली पीढ़ी जब ये पत्रिकाएं पढ़ेंगे और इस यंत्र के बारे में दर दर घूमते रहेंगे कि ये यंत्र किसी के पास है, और तुम इस यंत्र की कीमत उस समय 1 लाख रुपए कहोगे तो 1 लाख रुपए देख लेगा, क्योंकि यंत्र मिलने वाला नहीं है, ये दुनिया मिलने वाली नहीं है। हम उस क्षण को नहीं पहचानते जो गुरुजी देना चाहते हैं। आप सबको, आप यहाँ बैठे हुए हैं, किनके पास आज भी 1980 से लेकर आज 1994 तक पत्रिकाओं को भंडार है, जो ज्ञान का भंडार। हम किसी के पास पूछे जाते तो कितना अकड़ता है देने के लिए, क्योंकि गुरुजी का हरे, गुरुजी का पाद रेणु, गुरुजी के चरणों की धूल भी आज बहुत मूल्यवान है। उसका मूल्य हम उनके रहते नहीं समझते, उनके जाने के बाद समझते हैं। जब मैं स्वयं एहसास कर रहा हूं कि गुरुजी के वो साधनाएं सारा मैंने संपन्न नहीं की, वो पत्रिकाएं आज मुझे मिल रही नहीं है। मैंने उन पत्रिकाओं को बांट दिया था, मेरे पास थे तो आज जब बांट दिया वो पत्रिका, आज फिर मैं वो पत्रिका उसी के पास ले जा रहा हूं तो वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं। आप बोलो उसका मूल्य क्या है। तो जो गलती मैंने की है वो गलती आपके जीवन में आप नहीं करना, क्योंकि ऐसे समय बार बार नहीं आते और ऐसा जीवन, ऐसी साधनाएं बार बार जीवन में नहीं मिलते। ये आपकी धरोहर आपके लिए नहीं रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए है, आने वाले समाज के लिए है, आने वाली चेतना के लिए है, आने वाले इस संसार के हर एक अणु, हर एक परमाणु के लिए है। जो जीवन में योगी जीवन समर्थन देना चाहता है उसके लिए ये साधनाएं हैं। हम गुरुजी के रहते हुए इन साधनाओं को समझने के और साधना को समझे नहीं। जब हमें आभास होता है कि जीवन में यह हमें बहुत जरूरी है, तब हम कहते हैं कि उस समय हम भागते हैं कि हमें ये मिले या शक्तिपात दीक्षा मिले या गुरुजी हो तो हम आज ये साधना संपन्न करते थे, हम इसी को प्राप्त कर सकते थे। आज ना हम प्रत्यक्ष गुरु को हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं, न हम यंत्रों को देख रहे हैं, न सामग्री को देख रहे हैं, और न उस प्राण प्रतिष्ठा, कम से कम उनके लिखे हुए पुस्तकों को हम दुर्लभ भी नहीं है। ऐसी आपके जीवन में इस दुर्लभता को दूर करने के लिए आप आज से सचेत हो जाओ, आज से जागरूक हो जाओ कि ये जीवन में आपको उतनी ही है। आपके आने वाली पीढ़ी को आपको ये जीवन प्रदान करने वाली साधना है, ये जीवन देने वाली साधना है, समर्थन कराने वाली साधना है, आपके जीवन को एक उज्जवल कराने वाली विधि है। आज आपके पास का गुरु का एक यंत्र, गुरु जी का 7 पीढ़ियों को आपको रक्षा कर सकता है। आपके राजमाला गुरु जी की